लितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सर्वरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं गर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सागरदलिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। ताप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे हरे कृष्ण नित्यानंद तुलसी महामहोत्सव की जय। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज जो भगवान नित्यानंद हैं, जो बलराम के अवतार हैं, उनका आज के दिन प्राकट्य दिवस है। प्राकट्य हुआ था सभी जीवों के उद्धार हेतु। तो नित्यानंद प्रभु के जो माता पिता थे, माता का नाम पद्मावती था और जो पिताजी थे वो हडाई ओजा करके नाम था उनका। उनका प्राकट एक चक्र धाम में हुआ था और लगभग चैतन्य महाप्रभु से 20 वर्ष पूर्व लगभग उनका प्राकट हुआ था। तो नित्यानंद वो बचपन से ही बहुत कृष्ण भावना में थे और 12 साल की अवस्था से ही नित्यानंद ने बहुत सारी ड्रामा में रोल अदा करते थे। लक्ष्मण के बनते थे, हमेशा कृष्ण लीलाओं की चर्चा करते थे और कृष्ण की लीला में पार्टिसिपेट करते थे 12 से लगभग 20 साल तक। तो इस तरह उनका बचपन गुजरा नित्यानंद प्रभु का। एक बार नित्यानंद प्रभु ऐसी लीला कर रहे थे, राम लक्ष्मण का रोल कर रहे थे, तो उनका लक्ष्मण का रोल था नित्यानंद प्रभु का। सो आप पता होगा कि जब राम कथा में युद्ध होता है रावण से, तो लक्ष्मण को क्या है, मूर्छित हो जाते हैं। मेघनाथ जी उनको तीर मारते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। सो फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आते हैं, तो एक कोई लड़का था उनका फ्रेंड, वो संजीवनी बूटी लेने जाता है। वो बाय चांस वो ड्रामा प्ले कर रहा था, वो भाग गया अपने घर पे, संजीवनी बूटी लेके नहीं आया वापस। सो लक्ष्मण जो बलराम जी हैं वो क्या है, मूर्छित पड़े हैं, है ना, और वो उनका होश में ही नहीं आ रहे। वो तो सब लोग आ गए, इकट्ठा हो गए, घर वाले भी इकट्ठा हो गए, तो पता ही नहीं पड़ रहा कैसे सही अवस्था में आएंगे नित्यानंद प्रभु। तो एक बच्चे ने बोला कि ऐसे ऐसे हम लोग ड्रामा कर रहे थे और हनुमान जी वो संजीवनी बूटी लेके थे, वो वापस ही नहीं आया अभी तक, है ना। तो फिर ऐसे वो संजीवनी बूटी लाए, मतलब कुछ भी ऐसे ड्रामा कंप्लीट किया। तो नित्यानंद प्रभु फिर से इस अवस्था में आएगी, फिर बोल पा रहे हैं। तो पूरा ड्रामा में पूरा रथ हो गया, मतलब पूरा भाव में आगे लक्ष्मण ही है, क्योंकि वो लक्ष्मण ही है, बलराम के अवतार है, तो उसी भाव में आ गए। तो नित्यानंद प्रभु की ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, है ना। तो जैसे कि चेतन चेतावनी में बताया गया, ब्रजेंद्र नंदन यही सच्ची सुत है लय से ही बलराम बैल निताय हले निताय के। ब्रजेंद्र नंदन से ही कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो क्या है, जो सची माता के घर उन्होंने जन्म लिया है, अभी प्रकट हुए हैं। वो पहले कहाँ थे, ब्रजेंद्र नंदन कि नंद के पुत्र के रूप में उन्होंने ब्रज में प्रकट हुए थे, तो वही सेम अभी क्या किया, सची माता के घर में उन्होंने प्रकट हुए हैं। और बलराम हैला निताय, और जो बलराम है वो किसके फॉर्म में प्रकट हुए हैं, नित्यानंद प्रभु। सो बलराम और नित्यानंद में कोई फर्क नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और बलराम स्वयं क्या है, नित्यानंद है। ब्रजेंद्र नंदन यही सच्ची सुत हैला से ही बलराम हैला निताय। सो वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि नायम आत्मा बल हिनेन लाभ्या ना बहुन सूत्रेन, कि जो बल के बिना कोई भी कार्य हमें करना है, आध्यात्मिक कार्य, तो उसमें क्या है, बल की आवश्यकता होती है, उसके बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। सो बलराम मतलब बल,
जो बल प्रदान करते हैं, जो बल के अधिष्ठाता हैं। सारी शक्ति कहाँ से आ रही है? बलराम नित्यानंद प्रभु से आ रही है। लेकिन कभी कभी लोगों जो अज्ञान में है, वो लोग सोचते हैं कि बल मींस कि जो हमारी शारीरिक स्ट्रेंथ है, शारीरिक शक्ति है, उसको बल मांगते हैं। और इसी सिद्धांत को वो दूसरे लोगों को पहुंचाते हैं कि जब तक आप आपका शरीर स्ट्रांग नहीं होगा, शरीर से आप हष्ट पुष्ट नहीं होगे, तब तक आप जो मोक्ष है, जो आध्यात्मिक पराकाष्ठा है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा शारीरिक रूप से, तो तभी आपको उस मोक्ष की प्राप्ति, जो आध्यात्मिक गति है, उसको प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा खाना पड़ेगा, है ना, अच्छा युद्ध करना पड़ेगा, मल्लयुद्ध होता है ना, ऐसे इससे क्या होगा, हमारे अंदर शक्ति आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो बल है ये डिफरेंट है। यहाँ पर जो चर्चा की है, बल हिने ना, मतलब वो डिफरेंट है, ये आध्यात्मिक बल है, ये साधारण भौतिक बल नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि बलराम बल देने वाले हैं, कौन सा बल है? ये आध्यात्मिक बल है। लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम अहंकार के बस आके, है ना, अहंकार मत्त होई निताई पद पाश्रिया आश्रयेत सत्य कोरी मनी। कि जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि अहंकार के बस में आके जो विमूढ़ है, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो वो सोचते हैं कि, और अहंकार विमूढ़ आत्मा, वीर शब्द आया मतलब विमूढ़ आत्मा, एक विमूढ़ होता है, मूढ़ होता है, मूढ़ मतलब मूर्ख व्यक्ति, विमूढ़ मतलब बहुत ही विशेष विशेष प्रकार का मूर्ख व्यक्ति है वो, जैसे ना बहुत ही विशेष व्यक्ति, तो ये क्या है, विशेष प्रकार का मूढ़ व्यक्ति है, विमूढ़ विशेष प्रकार का मूर्ख व्यक्ति है। तो कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार के बस क्या है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी यहाँ पे कह रहे हैं, अहंकार मत्त हैला निताय पद, कि माया के वश आके, अहंकार के वश आके वो क्या है, कर्ता हम इति मन्यते, अपने आप को कर्ता मानता है। सो सब लोग सोच रहे हैं कि हम क्या इंडिपेंडेंट है, हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी की कोई शक्ति नहीं है, जो भी हम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो जो कोई व्यक्ति सोच रहा है कि हम स्वतंत्र हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, वो क्या है, वो मूर्ख व्यक्ति है, अहंकार विमूढ़ात्मा। सो वो सोच रहा है कि हर कार्य को मैं कर रहा हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे ऊपर कोई जो जोड़ी वस्ती नहीं है, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। सो ये क्या है, हमारी गलत धारणा, दिस इज फॉल्स प्रेस्टीज। सो हमेशा हर व्यक्ति क्या सोच रहा है कि हम इंडिपेंडेंट है, या हर सोचता है कि मैं, हमें अभी चाहिए आज़ादी है, नारे लगते हैं कि हमें भी चाहिए आज़ादी, लेकिन वास्तव में हम लोग आज़ादी नहीं है। सो ये हमारी क्या है, भौतिक बीमारी है, क्या है, अहंकार विमूढ़ात्मा, कि हमारे अंदर अहंकार है और इसके कारण हम क्या है, भ्रमित हो जाते हैं, बिबिल्डर्ड हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है एक्चुअली। सो हम उस अहंकार की वजह से हम नहीं समझ पाते कि वास्तविक शक्ति, वास्तविक स्ट्रेंथ क्या है। हमें समझते हैं कि बॉडीली स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, लेकिन वास्तविक स्ट्रेंथ क्या है, जो बल नित्यानंद प्रभु जो बल देने वाले, वो क्या है, आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बताया गया, भौतिक शक्ति के बारे में नहीं चर्चा की। सो हम रोजाना देखते हैं काफी सारे बलशाली पुरुष हैं, बहुत पावरफुल इंसान है एक्चुअली, जिनके पास अच्छा, किसी के पास अच्छा ब्रेन है, बहुत से गुड साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है, जिनका दिमाग बहुत चलता है एक्चुअली। सो वेयर इज स्ट्रेंथ, उनके अंदर शक्ति कहाँ से आ रही है, कौन सी शक्ति है ऐसी, कहाँ से उनके अंदर शक्ति आ रही है कि जिससे वो इतनी शक्तिशाली है, इतना सोच पा रहे हैं, इतने कार्य कर पा रहे हैं। वो शक्ति है आत्मा की, उनके अंदर आत्मा है तो वो सारे कार्य कर पा रहे हैं, और जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो कुछ नहीं कर सकते फिर वो, चाहे भले ही कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी बलशाली मनुष्य हो, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है तो क्या है, डेड मैटर हो जाता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो यही डिफरेंस है एक मरे हुए व्यक्ति के बीच में और एक जीवित व्यक्ति, क्या है, आत्मा का, कि उसके अंदर आत्मा है। तो जो जीवित व्यक्ति है बहुत पावरफुल है, वो कर सकता है कोई भी कार्य, बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति
वो कुछ नहीं कर सकता, वो तुरंत क्या है मरा हुआ गिर पड़ जाएगा, जैसी आत्मा जाएगी तुरंत फ्लोर पर गिर जाएगा, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो शक्ति है वो चली गई। जब तक शक्ति थी आत्मा के रूप में तो सारे कार्य कर रहा था, लेकिन जैसे ही शक्ति चली गई वो डेड मैटर है। यही आध्यात्मिक शक्ति है। सो इसी आध्यात्मिक शक्ति पर क्या है कि हमारी गाड़ी, हमारी जो शरीर है वो मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, लेकिन अगर ये शक्ति नहीं होगी तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। जैसे हम कार चलाते हैं तो कार से क्या है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, लेकिन अगर कार में पेट्रोल नहीं है तो नहीं, या अगर इलेक्ट्रिक कार है तो अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगी। ऐसे ही हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, सोल आत्मा नहीं है, तो हम भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो वास्तविक शक्ति है, जो वास्तविक स्ट्रेंथ है, वो क्या है, आध्यात्मिक शक्ति। भौतिक शक्ति से कोई कुछ नहीं होने वाला है, कितनी हम बलशाली हो जाएं, लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति गई आत्मा बाहर, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो आध्यात्मिक जो शक्ति है वो बलराम से आती है। सो बल मींस आध्यात्मिक शक्ति। सो इसीलिए अगर हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, अगर हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए तो हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए तो क्या, हमें उनके चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा, हमें नित्यानंद प्रभु का आश्रय प्रदान लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बलराम क्या है, गुरु तत्व है, नित्यानंद प्रभु क्या है, गुरु तत्व है। गुरु तत्व मतलब कि गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके रिप्रेजेंट, जो भी कितने भी गुरु हैं वो बलराम नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव है। जो पहले गुरु कौन है, बलराम नित्यानंद प्रभु हैं, जो भगवान का हमेशा गुणगान करते हैं। अनंत शेष के रूप में जो बलराम हैं वो असंख्य मुख से, हजारों मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं पता नहीं, इतने सारे गुण हैं भगवान के अंदर। और जो गुरु होता है वो भी यही कार्य करता है, भगवान का गुणगान करता है। श्री प्रभुपाद यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी ने क्या किया, भगवान का गुणगान किया। तो जो भी गुरु तत्व है, जो भी गुरु को रोल निभा रहा है, वो उसका एक ही काम है क्या, भगवान को गुणगान करना, भगवान का प्रसन्न करना है। सो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। और अगर हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को समझना चाहते हैं, सो हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट टेक शेल्टर ऑफ नित्यानंद प्रभु या बलराम। अगर हम कृष्ण को समझना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को समझना चाहते हैं, तो किसके थ्रू जाना पड़ेगा, हमें गुरु के माध्यम से जाना पड़ेगा, है ना। जब नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करेंगे तो हम चैतन्य महाप्रभु को समझ सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो हम नहीं समझ सकते। हम रघुनाथ दास गोस्वामी के केस में देखते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी कई बार अप्रोच करते चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की उन पर कृपा नहीं हो रही थी। तो एक बार उनको पता पड़ता है कि नित्यानंद प्रभु उनके पास में आए हुए हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, और नित्यानंद प्रभु जैसे उनको देखते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि तुम चोर हो। चोर क्यों, कि तुम डायरेक्ट क्या है, चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते हो बिना मेरी कृपा के, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर नित्यानंद प्रभु उन पर कृपा करते हैं, अपने चरण उनके शीश पर लगाते हैं, तो उनको कृपा मिलती है, बाद में फिर उनके चैतन्य महाप्रभु को समझ पाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में शामिल हो पाते हैं, उससे पहले नहीं हो पाते क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिल रही थी। सो बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के हम आध्यात्मिक शक्ति नहीं ले सकते और भगवान को समझ नहीं सकते। भक्ति में हमारे क्या, हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, अगर आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा, हम कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सो वो आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से आएगी, नित्यानंद प्रभु से आएगी। नायम आत्मा बलहीनेन लाभ्या, कि बलहीनेन लाभ्या मतलब कि विदाउट द मर्सी ऑफ बलराम, कि बिना बलराम नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम नहीं समझ सकते भगवान को, अपने प्रयासों से हम नहीं समझ सकते, कितने भी हम प्रयास करेंगे। तो बलराम नित्यानंद प्रभु की कृपा का मतलब क्या है, गुरु परंपरा की कृपा, हम गुरु से भी कृपा प्राप्त कर रहे हैं, श्री प्रभुपाद की कृपा, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा ही आ रही है उनके थ्रू।
ऐसा नहीं ना कि कृपा किसी अलग से कुछ मिलेगी हमें, नहीं नहीं अगर हम गुरु परंपरा के माध्यम से भी वो कृपा हमें मिल रही है तो अगर हम गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं तो, अगर नहीं जुड़े हुए वैसे हम अलग से कुछ कर रहे हैं है? किसी परंपरा से जुड़े नहीं हुए तो हमें नित्यानंद की कृपा बलराम की कृपा नहीं मिलेगी और फिर हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें नित्यानंद को बलराम जी के क्या शरण ग्रहण करनी, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं नेताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, कि हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण करनी है। पद कमल जो भगवान के जो चरण कमल उनकी क्या तुलना की जाती है कमलों से की जाती है, जो कमल क्या है बहुत ही अच्छा होता है दिखने में। सो इसीलिए अगर हम इस संसार से अहंकार के जो बीमारी है भौतिक बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें क्या है वी शुड टेक शेल्टर ऑफ नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु की शेल्टर ग्रहण करेंगे और उनका आश्रय ग्रहण करेंगे तो हम भगवान को समझ सकते हैं। हम भगवान को क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारे ऊपर माया का आवरण है, भगवान ने अपने आप को कवर कर रखा है और जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे हमारे अंदर अहंकार है, हम समझते हैं हर कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में समझना चाहिए कि हर कार्य किसकी कृपा से हो रहा है, गुरु की कृपा से हो रहा है, बलराम जी की कृपा से हो रहा है, मेरे अंदर तो कोई शक्ति है ही नहीं, जो आध्यात्मिक शक्ति हम कोई भी कार्य कर पा रहे हैं सो किससे आ रहा है वो भगवान की कृपा से आ रहा है, तब हम कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो हम यहां पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाचाए जगत जुराए, कि उनकी कृपा से क्या है हम जो जगत से जुड़े हुए हैं, जगत से जो हमारा अटैचमेंट आ सकती है उससे हम बाहर आ सकते हैं। हम देखते हैं कि पूरा संसार क्या है सफरिंग्स में, पूरे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हर इंसान के जीवन में है कि नहीं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि नहीं मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। सो अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं पीस चाहते हैं सो हमें क्या करना पड़ेगा नित्यानंद प्रभु का शेल्टर लेना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे जीवन में समस्याएं सफरिंग्स चलती रहेंगी। हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाई ते नाई दृढ़ा कोरी धरो निताई पाए, कि हमारे जो जीवन का लक्ष्य क्या है कि राधा कृष्ण को पाना, भगवान के धाम जाना है और राधा कृष्ण की लीलाओं में जुड़ना, राधा कृष्ण का संग पाना है। नरोत्तम दास ठाकुर एक और भजन में लिखते हैं मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाई, कि अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है और अगर हमने राधा कृष्ण का नाम नहीं लिया मनुष्य जन्म पाके भी तो क्या हमने जानिया सुनिया विष खाई, कि हमें पता है हम जान बूझ के क्या है विष खा रहे हैं। कोई खाएगा जान बूझ के विष? कोई नहीं खाएगा, लेकिन अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है ना और अगर हमने भगवान का नाम नहीं लिया तो क्या है वो मनुष्य जन्म वेस्ट वेस्ट चला गया, जैसे कि आपको जन्म मिला और आपने जहर खा के उसको खत्म कर दिया, तो ऐसे आपको मनुष्य जन्म मिला लेकिन आपने राधा कृष्ण ना भज के संसार का भजा तो क्या है जानिया सुनिया विष खाया, जान बुझ के हमने विष खाया। सो जब तक हम राधा कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, राधा कृष्ण को नहीं समझेंगे, राधा कृष्ण का नाम नहीं लेंगे, जब तक हम वास्तविक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। सो प्रहलाद महाराज अपने जो शिक्षा है उन्हें बताते हैं कि उनके पिताजी ने पूछा कि मेरे प्रिय पुत्र आपने क्या सीखा वहां जाके, आपको शिक्षाएं बताओ जो सबसे द बेस्ट थिंग यू हैव लर्न, कि सबसे अच्छी चीज आपने क्या सीखी है, तो बताते माय डियर फादर है ना, ही सेड माय डियर बेस्ट ऑफ द असुराज, कि असुरों में श्रेष्ठ, तो एक राजा को संबोधित कर रहे हैं, तो असुरों में श्रेष्ठ मैंने क्या सीखा कि साधु बन्ये सुर बन्ये देहिनाम, कि यहां पे साधु के बारे में बताया गया। सो उन्होंने बताया कि ये सारा समाज क्या है सफरिंग में है, सो आपको क्या करना चाहिए कि यहां से राजपाट छोड़ के कहां जाओ जंगल में जाओ भगवान का नाम, तो ये बेस्ट टीचिंग है। सो
अगर हमने इस मनुष्य जन्म पा लिया और अगर वास्तव में जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान की भजन करना, भगवान का नाम लेना, उसको नहीं किया हमने, तो क्या पूरा मनुष्य जन्म बेकार हो जाएगा। इसीलिए भगवान इसी संदेश को पहुंचाने के लिए भगवान कई बार प्रकट होते हैं संसार में। भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं, भगवान शास्त्रों को लिखते हैं, तो इतने सारे कार्य करते हैं कि हमें समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है। हमें भगवान की भक्ति करनी है और इस जन्म को क्या है, सार्थक करना है। खुद का जन्म सार्थक करना है, दूसरों को परोपकार करना है कि जो हमें ज्ञान मिला है उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। नित्यानंद प्रभु इतने करुणा थी उनके हृदय में कि इतना प्रचार करते थे। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर को भेजा कि आप प्रचार करो लोगों को जाके। वो दोनों जाते थे, प्रचार करते थे, कई जगह उनको क्या है अच्छा रिसेप्शन मिलता था, कई जगह क्या गालियां सुनने को मिलती थी, गेट खटखटाते थे गालियां सुनने को मिलती थी, कौन आ गया सुबह सुबह थी। जब हम भी कहीं जाते हैं तो क्या है ऐसे सुनने को मिलता है, कोई कोई डांटता है, कोई कुछ करता है, गालियां देता है, कोई अच्छा रिसेप्शन करता है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। तो ऐसे ही तो उन लोगों का भी साथ ही ऐसा ही हुआ था, ऐसा नहीं हमारे कलयुग में ऐसा हो रहा है। उन लोगों को भगवान साक्षात भगवान भी प्रचार करने जा रहे हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, कलयुग के लोग हैं। सो जो नित्यानंद प्रभु हैदा उन्होंने सोचा कि अभी जो इस संसार में सबसे जो पतित लोग हैं वो कौन है, जगाई मदाई, उनका उद्धार करना चाहिए। तो उनके पास गए तो वो क्या उनको मारने के लिए दौड़े। एक बार तो हरिदास ठाकुर तो पहले ही भागा है, तो नित्यानंद प्रभु ने थोड़ा प्रचार करने का प्रयास किया तो नित्यानंद प्रभु क्या उन्होंने पत्थर मार दिया, उनके चोट लग गई यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ये बात पता पड़ी तो चैतन्य महाप्रभु का बहुत क्रोध आया कि कैसे उसने ऐसा कर दिया। और तुरंत उन्होंने चक्र का आह्वान किया, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र आ गया, उनको मारने के लिए बिल्कुल उन्होंने दौड़ पड़े। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए कि नहीं, आपका ये अवतार हुआ है क्या है, सांगो पांगो पार्षदम है। तो उनके जो अस्त्र हैं अभी चैतन्य महाप्रभु क्या है, उनके संगी गण उनके अस्त्र हैं, वो कोई अस्त्र लेके नहीं आए इस बार। तो उन्होंने दिया दिलाया कि आपको कोई अस्त्र नहीं उठाना इस अवतार में। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या सोचो, नित्यानंद प्रभु कोई हमें मार रहा है और उसका हम फेवर कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो मार रहा था लेकिन इसके दूसरे भाई ने क्या मुझे बचाया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या जिसने बचाया था उसको क्या आलिंगन किया और उसको कृष्ण प्रेम प्रदान किया, और फिर दूसरे भाई को बुलाया उसको भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा क्या है, जो बिल्कुल पतित है, हम जैसे लोग किसी भी काम के नहीं है, इतने सारे हम पाप करके आए हैं, हमारी कोई योग्यता ही नहीं है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के चरण कमल हम पकड़ेंगे तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। अगर नित्यानंद प्रभु रिकमेंड करेंगे चैतन्य महाप्रभु को कि नहीं ये अच्छा व्यक्ति है इसको कृष्ण प्रेम दे दीजिए, तो चैतन्य महाप्रभु क्या तुरंत कृष्ण देंगे, फिर सोचेंगे नहीं कुछ। सो इसीलिए आज के दिन हमें नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी है कि सभी वो क्या है पतितों में पावन है, बिल्कुल पतित से पतित जो बिल्कुल किसी काम के व्यक्ति नहीं है कि जीवन पाप ही पाप किया है, उसका भी नित्यानंद प्रभु के द्वारा अगर हम नित्यानंद प्रभु के शेल्टर लेते हैं तो क्या हमारा उद्धार हो सकता है। तो आज के दिन हम भी नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे जगाई मदाई का उद्धार किया हमारा भी, हम भी जगाई मदाई से कम नहीं है, कुछ ज्यादा ही है ना। सो हमारा भी उद्धार हो और हमारी भगवान की भक्ति में रुचि बढ़े, हम भी भगवान का नाम ध्यान पूर्वक ले पाए। तो आज नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण करके भगवान नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि हम भी भगवान की भक्ति कर पाए और उनको ये अप्रोच करके क्या हम भी चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर पाए। हरे कृष्ण। किसी का भी प्रश्न है? जगाई बधाई कौन है? जगाई बधाई, जगाई बधाई उस समय ब्राह्मण थे लेकिन सारे कार्य ऐसे करते थे वो बिल्कुल जो उस समय नवदीप में वो सबसे उनकी गिनती थी कि ऐसा कोई भी पाप का कार्य नहीं था, वो निरोध नहीं करते थे, सारे पाप के कार्य करते थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था उसके बावजूद भी वो सारे कार्य करते थे पाप में कार्य। सो उस समय बताया था कि सबसे अधम सबसे पतित वही लोग थे, उनका भी उद्धार नित्यानंद प्रभु ने कर दिया। बाकी तो छोड़ो, एक जो सबसे पतित है जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, इतने सारे सारे चारों नियम तोड़ते थे, वैश्यवृत्ति करते थे और मांस खाते थे, इंटॉक्सिकेंट्स लेते थे, सारे चारों नियम तोड़ते थे, जितने भी पाप में कार्य हैं सारे पाप में कार्य करते थे,
लेकिन फिर भी नित्यानंद की कृपा से उनको क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी उनकी क्या भगवान की कृपा प्राप्त हुई। ऐसे ही जैसे तो कभी ये कहा जाता है कि भक्तों का मतलब विरोध करने से भक्ति से गिर भी जाते हैं, तो मेरे उसने तो डायरेक्ट नित्यानंद प्रभु जी को पत्थर से ही उठा के मारा था, तो तब भी मतलब हमने उदारता, नित्यानंद की तो उदारता है पर भगवान ने तब भी उन्हें क्यों दिया प्रेम। तो एक्चुअली क्या है कि जब हम वैष्णव अपराध करते हैं, वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, तो केवल वैष्णव उन्हें क्षमा कर सकते हैं और वैष्णव भगवान से कृपा, भगवान से याचना कर सकते हैं कि इनको माफ कर दो। भगवान तो एक्चुअली जब हम देखते हैं अम्बरीश महाराज के केस में भी, तो जो दुर्वासा मुनि वो चारों तरफ जा रहे हैं, उनका अपराध हो गया अम्बरीश महाराज के प्रति, तो ब्रह्मा जी के पास जा रहा है, शिव जी के पास जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो विष्णु के पास भी चले गए, नारायण के पास भी चले गए, उन्होंने भी मना कर दिया, भगवान ने भी मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप क्या करो, आप उसी वैष्णव के पास जाओ, वो क्षमा कर देंगे। सो वैष्णव अपराध मतलब जिस वैष्णव के प्रति हमने अपराध किया है वही वैष्णव अपराध कर क्षमा कर सकता है, और वैष्णव अगर भगवान से प्रार्थना करेगा उनके लिए तो फिर भगवान भी क्षमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु साक्षात चैतन्य प्रभु से कृपा की याचना कर रहे हैं कि इनको क्षमा कर दो, कृष्ण प्रेम दो। तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत क्षमा कर ही दिया था, उन्हें अपराध नहीं लिया था, और चैतन्य महाप्रभु से भी प्रार्थना कर रहे हैं वो। तो इस तरह अगर हमारे हमसे भी वैष्णव के प्रति अपराध होता है तो हमें भी उन्हीं वैष्णव से जाके क्षमा मांगनी चाहिए, तो वो क्षमा कर देते हैं। नित्यानंद प्रभु का मतलब जो पत्थर मारता है जगह ही नहीं मारता, जगह ही बताइए, जो भी था मुझे देख लिया, दोनों एक ही जैसे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों भाई थे क्या? हाँ दोनों भाई थे। जैसे नाम और किसी